नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ACE-DI 6565 के बारे में। किसान भाइयों, ACE ट्रैक्टर्स जिन्हें व्यापक रूप से कृषि गतिविधियों, निर्माण और इंडस्ट्रियल हॉलेज के लिए उपयोग किया जाता है, आज हम इस ट्रैक्टर के सभी जरूरी फीचर्स पर बात करेंगे और जानेंगे इसके परफॉर्मेंस और इंजन के बारे में। अगर आप भी ट्रैक्टर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से ट्रैक्टर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी जरूरी नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। किसान भाइयों, ACE-DI 6565 टू व्हील ड्राइव के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस ट्रैक्टर के लुक पर नजर डालें तो शानदार लुक के साथ ये ट्रैक्टर आता है। इसके फ्रंट की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ आपको सिल्वर बैक के साथ दो बड़ी चौकोर शेप की तेज रोशनी वाली हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाती है। ACE की खूबसूरत बैजिंग जो इसके लुक को इन्हांस करती है और बड़ा सा नेट फ्रंट और टॉप पर मिल जाता है जो रेडिएटर तक ठंडी हवा पहुंचाने का काम करता है। ट्रैक्टर के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको DI 6565 के टैग के साथ एडवांस हाइड्रोलिक्स और ACE का टैग लगा हुआ मिल जाता है। ट्रैक्टर के फ्रंट में आपको हेवी वेट के साथ कंपनी फिटेड बम्पर मिल जाता है, साथ ही टोइंग हुक भी इसमें दिया गया है। इसके एक्सल की बात करें तो इसमें आपको हेवी ड्यूटी एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिल जाता है। ट्रैक्टर का बोनट डुअल गैस स्ट्रट के साथ सिंगल पीस बोनट के साथ आता है जो आसानी से खुल जाता है। बोनट को लॉक करने के लिए लॉक सिस्टम भी दिया गया है। सामने की तरफ आपको ड्राई टाइप का एयर क्लीनर मिल जाता है जो चोकिंग सेंसर के साथ आता है। इसी के साथ में आपको बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है जिसकी जाली काफी मजबूत दी गई है। किसान भाइयों, बात करें ट्रैक्टर के इंजन की तो 65 HP की श्रेणी में ये ट्रैक्टर आता है। इसमें आपको 4 सिलेंडर का शक्तिशाली इंजन मिल जाता है जो डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन के साथ आता है। इसकी क्यूबिक क्षमता 4088 cc की है। वाटर कूल टाइप का कूलिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। कूलिंग टैंक इसमें आपको ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ दिया गया है। आपको बता दें किसान भाइयों कि इस ट्रैक्टर में आपको टर्बो की जगह एडवांस टेक्नोलॉजी वाला EGR सिस्टम दिया गया है। पावर स्टेयरिंग ऑयल कंटेनर आपको इसमें दिया गया है। इस ट्रैक्टर में आपको 12 वोल्ट 42 एम्पियर का ऑल्टरनेटर मिल जाता है। ये ट्रैक्टर 2200 इंजन रेटेड RPM जनरेट करता है। इसमें आपको 105x118 mm का बोर व स्ट्रोक दिया गया है। ट्रैक्टर के बैटरी बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको 88 AH 12 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है जिसे एक मजबूत बॉक्स में रखा गया है जो पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री है। इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है हाई टॉर्क और पावरफुल इंजन। डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको इस ट्रैक्टर में दिया गया है जो गार्ड के साथ आता है। बात करें इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर साइज की तो इसमें आपको 7.50x16 के फ्रंट टायर दिए गए हैं। इसका एरोडायनामिक लुक इस ट्रैक्टर को काफी आकर्षक बनाता है। इसमें आपको वाटर सेपरेटर दिया गया है जो डीजल में से पानी को सेपरेट करने का काम करता है। इस ट्रैक्टर में आपको की लॉक के साथ 65 लीटर की डीजल फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। ये ट्रैक्टर रिवर्स PTO के साथ आता है जिसका टैग आपको इसके फेंडर पर लगा हुआ मिल जाता है। ट्रैक्टर पर ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए आपको पायदान दिए गए हैं। इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन पैरों के लिए आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में आपको 40.5 kW की मैक्सिमम PTO पावर और SFC 265 g/kWh का इसमें दिया गया है जिसकी जानकारी आपको इसके प्लेट में लिखी हुई मिल जाती है। ट्रैक्टर के कंफर्ट की बात करें तो चालक की सुविधा के लिए इसमें आपको कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं जिसे आप आसानी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके स्टीयरिंग की बात करें तो इसका पावर स्टीयरिंग आपको नॉब के साथ दिया गया है जिससे आप स्टीयरिंग को आसानी से और स्मूथली चला सकते हैं। काफी शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको दिया जाता है जिसमें फ्यूल टेम्परेचर RPM मीटर मीटर आदि सबको आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, नीचे की तरफ आपको लाइटिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंजन को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए आपको नीचे की तरफ कंट्रोल मिल जाता है। किसान भाइयों, ACE-DI 6565 के ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ऑयल ब्रेक्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको ड्राई ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाता है। पार्किंग ब्रेक आपको इसमें दिए गए हैं। साइड शिफ्टिंग गियर आपको इसमें मिल जाते हैं। गियर बॉक्स की बात करें तो हाई लो के साथ इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के गियर मिल जाते हैं। ट्रैक्टर के स्पीड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 35.1 km/h की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड मिल जाती है। इसके साथ ही 3.62 km/h और 14.3 km/h की रिवर्स स्पीड इसमें दी गई है। हाइड्रोलिक्स के कंट्रोल्स आपको सीट के राइट साइड में और PTO लीवर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं। सीट के साइड पर ही आपको टूल बॉक्स भी दिया गया है। इस ट्रैक्टर की PTO की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6 स्प्लाइंस के साथ 540 RPM की PTO दी गई है। इसके क्लच की बात करें तो डुअल क्लच इसमें आपको दिया गया है। इस ट्रैक्टर में आपको 4.12 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है।
किसान भाइयों, बात करते हैं ट्रैक्टर के बैक साइड की, तो इसमें चालक की सीट के पीछे आपको रिफ्लेक्टर, बॉटल होल्डर और वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मजबूत गार्ड दिया गया है। इस ट्रैक्टर में आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व मिल जाता है, जिसका लिवर आपको दिया गया है। ट्रैक्टर के बैक साइड को काफी हैवी ड्यूटी बनाया गया है। इसमें आपको मजबूत हिच दिया गया है, जिससे आप छोटी या बड़ी ट्रॉली को भी आसानी से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ASDI 6565 टू व्हील ड्राइव के हाइड्रोलिक्स की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट यानी कि ADDC वाले हाइड्रोलिक कंट्रोल्स लाइव हाइड्रोलिक्स मिक्स मोड के साथ मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। एक्स्ट्रा लाइटिंग्स के लिए आपको सॉकेट दिया गया है। टॉपलिंग के लिए इसमें आपको 3 सेंसिंग पॉइंट मिल जाते हैं। डायरेक्ट रियर एक्सल इसमें आपको दिया गया है। इंडिकेटर लाइट के साथ आपको तेज रोशनी वाली लाइट भी मिल जाती है। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के रियर टायर साइज की, तो 16.9x28 के बड़े और हैवी ड्यूटी रियर टायर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ट्रैक्टर के वेट और डायमेंशंस की बात करें, तो इस ट्रैक्टर का टोटल वेट ऑयल के साथ 2280 किलोग्राम का है। इसकी लंबाई 3845 mm की, चौड़ाई 1940 mm, हाइट 2340 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 465 mm और 2130 mm का व्हील बेस दिया गया है। तो किसान भाइयों, ASDI 6565 टू व्हील ड्राइव का ये ट्रैक्टर पावरफुल इंजन, दमदार लिफ्टिंग कैपेसिटी, कमाल के फीचर्स के साथ बचत का बादशाह कहलाता है। इस ट्रैक्टर के बारे में आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर आप ट्रैक्टर से जुड़ी कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट की वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रैक्टर से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए ट्रैक्टर जंक्शन के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।